आज हम आपको मैथ्स में अभ्यास 3.4 के सवाल सरल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का लस तथा मस ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 30 तथा 54। तो सबसे पहले हम 30 तथा 54 का लस ज्ञात करेंगे। लस ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे।
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 2080 प्लस 16 तो मास इसका जो है मास आपने याद करना है। मास है बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटे प्लस गुणनफल कितना है 2080 अपान लस कितना है 16 20 में से 16 माइनस किया 4 आया 8 × 48 हुआ 16 × 48 और 0 बचा नहीं भाग जाएगा तो भागफल में 0 बना दिया। इस प्रकार से आपका मास हो गया 130 आंसर हो गया 130। हाँ नोट करो क्वेश्चन नंबर 3 दो संख्याओं का मास 29 तथा लस 435 है यदि उनमें से एक संख्या 145 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मास बराबर 29 लस बराबर 435 एक संख्या बराबर 145 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर 1 संख्या मास है 29 × 435 अपान एक दी गई संख्या है 145 29 × 29 29 5
40 माइनस करने पर आया शेष बचा 3, 5 लिया 45 और 5 से रंजा 45, 87 मंजा 87, आंसर आ गया आपका 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2880 तथा उनका लसर 480 है। दो संख्याओं का, दोनों संख्याओं का मसर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लस बराबर 128, गुणनफल
बराबर 14,336 मास्टर को क्या करना मास बराबर गुणन फल बटे लासर 14,336 अपॉन 128 2 6 12 2 4 8 2 7 14 2 1 2 2 6 12 2 8 इस प्रकार था 7,168/64 2 3 2 2 2 3 6 माइनस करने पर 1 आया 2 5 10 माइनस करने पर 1 आया 2 8 16 2 4 32 से 32 को डिवाइड करो 1 आया 32 माइनस करने के 3 आया 8 38 हुआ 32 माइनस करने से 6 बचा 4 64 हुआ 32 2 64 इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 112। इस प्रकार से आपका अभ्यास 3.4 समाप्त हुआ। थैंक यू।